ये भाई दिल्ली में हूँ फिलहाल, और ये मच्छरदानी मंगाई है, और दिल्ली के हालात आप देख रहे हो, दिल्ली में इतने मच्छर है, इतनी गंदगी है ना, इतना गंदा है जिसकी हद नहीं। ऑनलाइन मेरे को परचेज करना पड़ा, ये कहता रहता है कि मच्छरदानी मच्छरदानी वगैरह वगैरह। तो अब सही है, मच्छर उच्छर नहीं लग रहे? ओके, नहीं लग रहे ना, बढ़िया एकदम। तो चलो ठीक है भाई, ये मच्छरदानी हमने मंगा ली है। कितने तक की आई अपनी ये? 500 रुपये की मच्छरदानी भाई साहब, और मच्छर आपको बिल्कुल नहीं खाएंगे, आप इस तरह खुले सांड की तरह सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मजे में कहीं पे मच्छरदानी लगाओ। लेकिन कोई बंदा आता जाता, कोई पतंगा या बीड़ी का लगा के ना यहाँ पे, फिर उसके बाद इसकी कोई वो नहीं रहेगी, अहमियत नहीं रहेगी, और ये कुछ वो नहीं रहेगी। कैमरे मारा देख ले, पूरी फलाते देख ले भाई। हाँ, तो आप आराम से 500 रुपये खर्च करो, और ऐसी मच्छरदानी ऑनलाइन भी मंगा सकते हो आप, वो आप नेट पे मिल जाए सारा सौदा, ठीक है, मंगले क्यों प्रचार करें। लेकिन ये बंदा काफ़ी दुखी था, परेशान था, इस चक्कर में मच्छरों ने इसको परेशान कर दिया था। अब ये कह रहा है कि फर्श को परी मेरे को सोना है, और रात पूरी इसने जाग जाग के काट दी है। तो अब मज़ा ये कि मच्छरदानी का, मेरे को तो ये होता कि मैं इंडिया की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में इतने मच्छर, तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इतने मच्छरों का ये अड्डा क्यों बना यहाँ पे, है ना। ऐसा चक्कर बहुत ही मतलब कि बेकार लगता है मेरे को। तो मच्छरों का सीजन आ चुका है, अब वो डेंगू डेंगू जैसी बीमारी भी आ सकती है। और आराम से आप मच्छरदानी लगाओ और सो। ये कहाँ से निकला? गेट से निकला उधर से, ये गेट है, ये कहाँ से निकलने हैं, कहाँ से भाई? खोलना एक बार इसको, खोल भाई, खोल रहा उधर से बंदा, ठीक है। ये बाहर निकलेगा यहाँ से, ये खिलगी खिड़की, बंदा खुश, आ जाओ भाई, आप इधर आओ, अभी इधर 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 शाम ही आ जा। तो ये मच्छरदानी आप लेके आओ भाई, और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी है, मतलब कि देखो इसका हाथ लगा के, सही है एकदम, इसमें दो बंदे आराम से सो सकते हैं, तो ये सही रहे कहीं ना कहीं। तो मच्छरों से बचना, तो भाई मैसेज यही है। बाकी मेरा गुस्सा इस बात का रहा कि दिल्ली के अंदर इतनी गंदगी, इतने मच्छर, ये गंदगी कहाँ से आई मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि ये गंदगी हमारे जैसे बंदों ने फैला रखी है, और दिल्ली की ऐसी तैसी कर रखी ना बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ आपको। दिल्ली का कोई बंदा छोटा मोटा कोई सुन रहा हो ना भाई, देख रहा हो, तो दिल्ली के ऊपर गौर करें, और मच्छरों से, कचरे से, इस गंदगी से मेरा पीछा छुड़वाएं, क्योंकि मैं बहुत रईस आदमी हूँ एक, ठीक है, गरीब बंदा नहीं हूँ मैं, और मेरे गरीबों जैसी ज़िंदगी जीनी नहीं है। दिल्ली को कति नरक बना रखा है, और भाई थोड़ा संभालो, केयर करो इसका, बातें मत करो, मेरे किसी लेना देना नहीं है। लेकिन ये मच्छरदानी आज ये बंदा, गरीब बंदा लेके आया 500 रुपये, वो बीड़ी का तिल्ला इस पर लग गया तो ये ख़त्म हो जाएगी, है ना। अगर वो इसमें नहीं सोएगा तो इसका डेंगू हो जाएगा, एक बंदा कहाँ तक क्या करेगा ये बताओ। ये मच्छरदानी का बहुत ही तगड़ा सिस्टम है अभी, तो मजबूरी में ये चीज़ लेनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है, हमें शौक नहीं चीज़ों का। लेकिन दिल्ली में आप रहते हैं तो मच्छरों से सावधान हो जाओ, सतर्क रहो, सावधान रहो और खुश रहो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को बहुत ही घटिया और दुखद न्यूज़ है कि दिल्ली के अंदर मच्छर होते हैं, और वो भी ऐसी बीमारी फैलाते हैं जिसकी हद नहीं। तो दिल्ली में जितने बंदे हैं, जितने जो कुछ कर सकते हैं भाई, मच्छरों से दिल्ली को बचाओ, और किसी से बचाने की ज़रूरत नहीं है, मच्छरों से बचाओ भाई, क्योंकि तुम्हारा ऐसी बीमारी लगा देंगे मच्छर जिसकी हद नहीं। और इतना गंदगी, ये कौन इनको वो परमिशन देता, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। इतना गटर, इतने नाला, एक वो बाईपास के ऊपर बहन चो कूड़े का ढेर पड़ा है, इतना इतना गंदगी, क्या बोलूँ मैं यार, बेकार में बहन चो अथू बहन चो, शर्म, डूब के मर जाओ बहन चो, सारे के सारे आए हैं बहन चो, बकवास कर रहे बेकार के, बकवास चो दे बेकार के। अरे ये है वो पहाड़, ये देख लो कूड़े का पहाड़ बहन चो, गंदगी वो देखो, गंदगी दिखी आपने, ये गंदगी है दिल्ली का ढेर, गंदगी ये है भाई, ये बीमारी फैलाता है और कुछ नहीं है। तो भैया थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो, मेरा यही मैसेज आपको, आप अपने ध्यान रखो, सेहत का बात ख़त्म, नहीं रखोगे तो तुम्हारा बीमारी लग गई। ऐसी मच्छरदानी यूज करो, मजे लो, चलो ठीक है, मेरा के तम बाड़ पाड़ोगे बहन जो मैसेज दे रहा मैं तुम्हें, और क्या करना, सुधरो गंदगी, चलो ठीक है।